सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. और मतलब कि कंट्रोवर्सी मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो हो रखा है. और फिलहाल की जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी लास्ट 3 वीडियोस में बहुत ज़्यादा डिसलाइक, और डिसलाइक से मतलब एक तरह से भी बोल सकते हो डिसलाइक से फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है ये आप जानो या मैं जानूँ, इसको मतलब इसको साइड में रखते हैं एंड बात करते हैं. जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं ये कंट्रोवर्सी फेक कर रहा हूँ और वीडियोस को मतलब व्यूज पाने के लिए और सब्सक्राइबर पाने के लिए, तो ऐसा जिनको लगता लगता रहे. बट जो आज की वीडियो मैं इसमें सब चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ और ये सारी फालतू जड़ फसाद की जो भी वीडियोस वगैरह हैं ये सब लास्ट वीडियो है. मैं आज के बाद वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ और आज के बाद वीडियो नहीं बनाऊँगा. तो बस आज की वीडियो जो लास्ट में इसमें क्लियर करने देना चाहता हूँ, हर बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं ना कि व्यूज़ के लिए सब कुछ कर रहा है निखिल ऐसा ऐसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है. और सबसे पहली बात कि मेरी जो अभी की लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने रितु मैम को और रितु और गौरव भाई को सॉरी बोला था, तो उस वीडियो को शायद लोगों ने लास्ट तक नहीं देखा था, जबकि मैंने उस वीडियो में बता दिया था कि वीडियो को लास्ट तक देखना. एंड सबसे बड़ी बात थी कि मैंने उसमें बोला था कि डिसलाइक का रेशियो लाइक से कम होना चाहिए और लाइक फिलहाल ज़्यादा होनी चाहिए. तो ये चीज़ मैंने बोली थी. अगर लोग मुझे माफ़ करते हैं जो उनके सब्सक्राइबर हैं, बोलने को तो सब सब्सक्राइबर बोलते हैं, बस डिसलाइक पर डिसलाइक करे जा रहे हो, चलो ठीक है करते रहो. बट मैंने उस चीज़ को बोला था कि लाइक ज़्यादा होनी चाहिए डिसलाइक कम होनी चाहिए, तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा. बट मैं वीडियो डिलीट तो नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, जो मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया तो उसमें मैं क्या करूँगा अभी यहाँ पे अपने क्रोम पे मतलब अपने यूट्यूब स्टूडियो पे मैं उसको एडिट कर दूंगा. तो ये चीज़ मुझे भी रियलाइज़ हो रही है कि हाँ मैंने गलती की है, किसी की प्राइवेसी और किसी के घर को इस तरह किसी के रोड मतलब किसी की प्राइवेसी को इतना दिखाकर मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ, मतलब इतना ज़्यादा फेक मैं समझता था कि हाँ ये मजाक होता है ये सब चीज़ें, बट मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि आगे चल के किसी के साथ हो सकता है. तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है जैसे कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई, तो उस चीज़ को मैं अभी सही करूँगा. मैं उसको एडिट कर दूँगा पूरा और जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तो शायद आपको उस वीडियो में आप जाके देख सकते हो. ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो कि गौरव भाई के अगेंस्ट हो, बट हाँ जो दिल की बात है वो पूरी होगी और जो जो चीज़ें खराब हैं वो सब एडिट कर दूंगा. तो ये बात रही उस वीडियो को. और जो लोग चाहते कि वीडियो को डिलीट कर दूँ एकदम सब कुछ, तो ये सोच लो कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो जुड़े हो आप इस चीज़ से अगर आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और अच्छे से बस एक तरह से सुन लो फैमिली एज अ फैमिली. और कुछ लोग तो यही कहेंगे कि फैमिली नहीं समझता, बट यार जो यार रियल है ना कि फैमिली यार कोई नहीं होती, बस आपका और हमारा एक रिश्ता बस स्क्रीन टू स्क्रीन होता है और ऐसा कुछ नहीं कि फैमिली है. फैमिली के बस अगर मैं अच्छा इंटरटेन नहीं करूँगा, आपको अच्छी वीडियोज नहीं बनाऊँगा तो आप लोग क्यों देखोगे. तो ऐसा ही कुछ है, जो बात सच है वो बात सच है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करो. तो मतलब जिस दिन वीडियो का मतलब वीडियो लाइक ज़्यादा होंगे और डिसलाइक कम होंगे तो मैं उसी दिन वीडियो को पूरा मतलब डिलीट ही कर दूंगा. फर्स्ट वाली वीडियो थी जो कि एड्रेस जिसमें मैंने बता दिया था, बट वो उस वीडियो को मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें हटा दूंगा जिसमें कि गौरव भाई को कोई प्रॉब्लम ना हो. और वैसे गौरव भाई इस समय बहुत लंबा कहीं बर्फ वादियों में घूम रहे हैं. तो अभी की वीडियो किस वजह से थी कि वो गलती हो गई, तो यार मैंने सॉरी बोला था गौरव भाई को, रितु मैम को भी सॉरी बोला था, तो गलती हो गई क्या करें, मतलब ऐसा कुछ सीन हो गया, मतलब सीन हो गया कि मतलब किसी ने किया किसी ने कुछ बोला और फंस गए हम, तो ऐसा कुछ हो गया. और हाँ एक बात तो मैं बोलूँगा, जबकि मैंने लास्ट में बोला भी था कि वीडियो के लाइक ज़्यादा होने चाहिए डिसलाइक ज़्यादा होनी चाहिए, गौरव भाई के सब्सक्राइबर बोलते हो अपने आप को मतलब फ्लाइंग बेस्ट आर्मी इस तरह से बोलते हो, बट जो चीज़ मैंने बोली उस चीज़ को समझा क्यों नहीं आपने, मतलब लास्ट तक शायद वीडियो नहीं देखा. मतलब ऐसा सोचते हो कि यार कंटेंट बना रहा अगला बंदा वीडियो व्यूज़ के लिए कंटेंट बना रहा है, यार मैंने इतना बड़ा चैनल बनाया है 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ. अगर आप भी किसी भी चीज़ में 3 साल से मेहनत करोगे तो आपको फील होगा कि हाँ यार की मेहनत बंदे की क्या होती है. और फिलहाल कि अभी मैं एडिट करूँगा कुछ देर में, एडिट करने के बाद ये वीडियो अपलोड कर दूंगा और आप लोगों को मैं बता दूंगा कि यार एडिट मैंने कर दिया है, मैंने अपनी तरफ से जो मेरे से मुझसे गलती हुई मैंने सही कर दिया. एंड बस आप लोगों का बस साथ चाहिए कि यार कानपुर में ये समझते हो कानपुर ऐसे मतलब ऐसा शहर है कि
जहाँ पे लोग फूड ब्लॉग वगैरह आने वाले वीडियोस में, तो मेरी लास्ट वीडियो है ये वाली, अब आगे जो होगा फूड ब्लॉग होंगे, राइडिंग वगैरह होंगी, अनबॉक्सिंग कुछ भी हो सकता है, रिव्यू वगैरह, तो बस सब्सक्राइब अगर चैनल पे आ गए हो तो, कंटेंट अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लेना। एंड व्यूज के लिए नहीं बोल सकता हूँ मैं, कोई कंटेंट क्रिएटर है तो यार व्यूज तो उसको चाहिए, सिंपल सी बात है, अगर आप कोई किसी भी कंपनी में जॉब करो तो आपको सैलरी चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। तो रही बात फैमिली की, फैमिली एज अ एक तरह से लोगों का सपोर्ट और प्यार होता है, जैसे कि आप लोगों का गौरव भाई के लिए, तो मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ऐसा प्यार मुझे दो, जो गलतियां हुई मैं उसको सही करूंगा, अपोलोजाइज करूंगा कि यार, तो यार जो हुआ उसको मिट्टी पाओ उस पर, तो मैंने सबको सही कर दिया, तो बस ये चीज मैंने बतानी थी। और हाँ एक चीज और, जो लोग वीडियो में गाली कमेंट और काफी लंबे लंबे मैसेज कर रहे हैं, यार कमेंट करने के लिए इतना सब कुछ तुम्हारे पास टाइम है, बट उस चीज को समझो तो क्या, मैंने किस सिचुएशन में आके कैसा कदम उठा लिया और ऐसी वीडियोस वगैरह मैंने बना के डाल दी यूट्यूब पे, और ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरे फ्रेंड ने भी बताया, काफी लोगों ने बताया, कहने लगे यार ऐसा कर दियो ऐसा कर दियो, भाई कानपुर में तो जैसे आप लोग जानते हो किस तरह बोलते हैं, तो ये सीन हो गया। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप कोई भी फैन सब्सक्राइबर कुछ भी बोल सकते हो किसी के भी लिए, इतनी अगर आपके लिए मन में वो होता है कि हाँ प्यार है, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि अब मैं जाऊंगा वहां, तो इस तरह से कुछ सीन हो गया था, तो गुस्से में ऐसी वीडियोस बन गई और अपलोड कर दी मैंने, मतलब कुछ भी हो सकता है गलती में या जानबूझ के तो नहीं यार किया, मतलब गलती ऐसी होगी कि माइंड मेकअप हो गया कि यार ऐसा हो सकता है भाई, अब दिखाना है सबको, बताना है कि भाई कैसा, लेकिन यार फिर कमेंट पढ़े लोगों के, कमेंट में जिन लोगों ने गालियां दी मैं तो कमेंट पढ़ता नहीं, जिन लोगों ने अच्छे से बताया, लोगों ने इतने लंबे लंबे कमेंट किए जिसमें अच्छे से बताया यार ऐसी ऐसी बात होती है ऐसी, तो उस चीज़ को मैंने समझा यार हाँ गलती मेरी है, तो उस चीज़ को मैंने अपोलोजाइज किया। तो अब इसके बाद वीडियो अच्छे आएंगे, मेरे कंटेंट होंगे, ना कि गौरव भाई रितु मैम के लिए कुछ ऐसा जो कंट्रोवर्सी हो गई उसको हटाओ, बस इतना ही बोलूँगा। और बस कमेंट में गाली वगैरह दोगे तो फालतू में ये कंट्रोवर्सी आएंगे शायद और बढ़े, तो प्लीज़ किसी को इतना मत हेट फैलाओ कि शायद वो और ज़्यादा मतलब ये हो कि हाँ यार अब यार ये लोग मान नहीं रहे कि आप कंटेंट फिर से बनाना है। यार व्यूज जो चीज़ तुम लोग देखने के लिए वीडियो पे क्लिक करते हो यार, चलो ठीक है देखने के लिए क्लिक करते हो, बट अब अच्छा कंटेंट आएगा तो प्लीज़ देखना उसको, कंटेंट में अच्छे अच्छे मतलब वीडियोस होंगे कानपुर के भी होंगे, अदर सिटीज़ के भी होंगे, अगर आप लोगों का प्यार आ तो अच्छा अच्छा कंटेंट आपको डेली मिलेगा, और नॉर्मल ब्लॉगिंग अगर आप लोग चाहो तो नॉर्मल ब्लॉगिंग भी हो सकती है, बट ये जो सेटअप में मैं शूट कर रहा हूँ ये मेरा टेक सेटअप है, मेरा चैनल भी है टेक्निक्स नाम से, तो उसको भी देख लेना अगर मन हो तो, सब्सक्राइब कर लेना। बस अभी मैं एडिट करूंगा, सो वीडियो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल मैंने बनाई है, और आप लोगों को बता दिया कि जो गलतियां हुई कैसे हो गया कैसे नहीं हुआ, बट बस अब खत्म करो, और डिसलाइक नहीं होने चाहिए वीडियोस पे, लाइक करो या ना करो वो अलग चीज़ है, मन हो तो लाइक करना, अगर लाइक से डिसलाइक ज़्यादा है ना तो फिर ये समझ सकते हो वीडियो मैं डिलीट नहीं करूंगा। जिस दिन डिसलाइक कम रहेंगे और मतलब कहते नहीं डिसलाइक इतने रहेंगे और लाइक इतने रहेंगे, उस दिन मैं वीडियो अपने आप डिलीट कर दूंगा, बट इतना कर दूंगा कि वीडियो एडिट कर, गौरव भाई की जो प्राइवेसी वगैरह थी उसको सब मतलब सब ब्लर करके कुछ एडिट वेडिट करके मैं अपना सही कर दूंगा। तो बस ये जो हुआ हुआ, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में जो मैंने बात करी अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर देना और बताना कि आप लोगों के मन में क्या है गौरव भाई के लिए। तो एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि मेरी आपने लोगों ने पिछली वीडियोस वगैरह देखी होंगी तो 150 से ऊपर वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उन वीडियोस में जो लोग बोल रहे हैं ना व्यूज़ लेने के लिए सब कुछ कर रहा है और सब्सक्राइबर चाहिए, ऐसा नहीं है यार, मेरे व्यूज़ देख लो अगर एक दो दो वीडियो पर 2.5 लाख व्यूज़ गए, 50,000 व्यूज़ गए, ऐसा नहीं कि 200-300, ऐसा हो जाता ना कि किसी भी बंदे को जब कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो उस पर व्यूज़ नहीं आते, और कुछ ऐसा होता है कि जो सब्सक्राइबर होते हैं उनकी टाइमिंग वगैरह गलत होती है तो मैं कभी अपलोड कर देता हूँ तो व्यूज़ नहीं आ पाते, तो वो चीज़ मैं नहीं करता हूँ कि यार नहीं आए व्यूज़, बट मेरा काम है कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट बनाना, तो कंटेंट बनाता रहूँगा और आपको बस ऐसे ही इंटरटेन करता रहूँगा। बस जो बात बोलनी थी मैंने साफ कर दिया कि लास्ट वीडियो है, मैं अभी एडिट कर दूंगा, और सेकंड टाइम फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो को हेट मत फैलाओ यार, प्लीज़ कमेंट अच्छे अच्छे करो कि यार मुझे भी मोटिवेशन मिले कि यार किसी बंदे के ऊपर ऐसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए, और नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं होगी, जो हुआ उसको हटाओ यार प्लीज़, जो समझो मेरी बात, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ यूट्यूबर कनपुरिया निखिल इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो बस, ओके।